पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने सहित 17 मांगों वाला एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं का आरोप था कि जीएसटी का सैकड़ों करोड़ों रुपया व्यापारियों का फंसा हुआ है, जिसका रिफंड न मिलने से उनको व्यापार करने में काफी परेशानी हो रही है। समाजवादी व्यापार सभा के हाजी इफ्तखार अली ने आरोप लगाया कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए जीएसटी में फंसा हुआ है, जिसका रिफंड न मिलने की वजह से वो अपना कारोबार नहीं चला पा रहे हैं और लॉकडाउन के चलते व्यापारी जीएसटी जमा नहीं कर पाए। अब उनकी आरसी काटी जा रही है, जिसकी वसूली के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। मुरादाबाद के पीतल कारोबारी अपनी 17 मांगों का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंप रहे हैं। मेरा नाम हाजी इफ्तेकार अली है। हम लोग व्यापार सभा, समाजवादी व्यापार सभा से हैं और आज जीएसटी के विरोध में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जो जीएसटी में व्यापारी जीएसटी के द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो जीएसटी और लॉकडाउन में जो जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनकी आरसी काटी जा रही है, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और जीएसटी जो जमा हो चुकी है उसके रिफंड में बहुत देरी हो रही है। इसलिए हम अपनी 17 मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को आज दिया है, डीएम साहब के जरिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।